स्क्रीन्स पर मुलाहिजा कर सकते हैं। लाहौर रंग की स्क्रीन्स पर आप ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे देख रहे हैं। N130 से जहां पर नवाज शरीफ 390 वोटों के साथ बढ़तरी पर हैं, और अब आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। गैर हतमी गैर सरकारी नतज के मुताबिक जो अब सामने आए हैं उसके मुताबिक यासमीन राशिद 4600 वोटों के साथ बढ़तरी पर हैं, जबकि नवाज शरीफ 3590 वोटों के साथ अब पीछे हैं। ताज़ा तरीन नतज से गैर हतमी गैर सरकारी नतज आपको दे रही हैं N130 से, जिसके मुताबिक यासमीन राशिद इस वक्त बढ़तरी पर हैं। आपको बताते चलें कि N130 के ये नतज हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतज हैं। यासमीन राशिद 4600 वोटों की गिनती के साथ आगे हैं, जबकि नवाज शरीफ 3590 वोटों की गिनती के साथ पीछे हैं। N130 का ताज़ा तरीन नतज आपको दे रहे हैं। यासमीन राशिद 4600 वोटों की गिनती के साथ आगे, जबकि नवाज शरीफ जो हैं वो 3590 वोटों की गिनती के साथ पीछे हैं। N130 से गैर हतमी गैर सरकारी नतज आपको बता रहे हैं, जिसके मुताबिक यासमीन राशिद इस वक्त लीड पर हैं 4600 वोटों के साथ। यासमीन राशिद इस वक्त बढ़तरी पर हैं। रावी रोड का यह हलका है N130 गैर हतमी गैर सरकारी नतज आप लाहौर रंग की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके मुताबिक यासमीन राशिद 4600 वोटों के साथ इस वक्त बढ़तरी पर हैं, जबकि नवाज शरीफ 3590 वोटों के साथ अभी पीछे ही दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतज N130 से आपको बता रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसके मुताबिक यासमीन राशिद इस वक्त आगे हैं। आपको बता रहे हैं N130 गैर हतमी गैर सरकारी नतज यासमीन राशिद 4600 वोटों के साथ बढ़तरी पर हैं, जबकि कायद नून लीग नवाज शरीफ 3590 वोटों के साथ अभी पीछे हैं। जी हाँ, N130 का ये नतायज हैं गैर सरकारी गैर हतमी। यासमीन राशिद और नवाज शरीफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला था, और अब ये नतायज सामने आए हैं कि यासमीन राशिद 4600 वोटों की गिनती के साथ आगे हैं।